तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है, गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं, तो राइट सुंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ, आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना, आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे, तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो, उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार व्यवसाय फैक्ट्री दुकान बिजनेस ऑफिस जगह पर विराजमान हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीति प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते, जितने भी बनते सीधी सूंड के बनते, कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्र रीति है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता, और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाएंगे। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाए, वो तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सूंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं तो वो फिर नहीं चटकते। 50 गणेश जी बनाए उसमें से 30 बेकार निकल जाएंगे, 30 की सूंड टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पांव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, आप भी अगर बाजार जा रहे हो गणेश जी लेने के लिए तो आप देखना, उल्टी सूंड का गणेश जी लोगे तो कहीं ना कहीं कहीं हाथ नबा होगा, कहीं पांव नबा होगा, कहीं पीठ नबी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी ही, ये पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना तो विचार करना, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही, आप देखना जाए, सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे, पर उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पांव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही, ये पक्का। शिव महापुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है, तो समझ लो उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं, गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी ना किसी का संहार करते हैं, और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख समृद्धि वैभव आनंद संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहां तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जा, मैं तुझे, तू मेरे सामने खड़ा है, मैं तुझे ये सुख देता हूं, जा। अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे हैं, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे हैं, भगवान राम आपके घर में आ रहे हैं, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे हैं, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहां प्रवेश कर रहे हैं, तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में दो स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का एक कुंकू का, और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर तब दो घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए, तब प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज, सीधा चरण अंदर रखकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए, और स्थापना के समय पर दो बिंदी जहां गणेश जी बैठे साइड में कोई दीवाल हो तो एक हल्दी की एक कुंकू की बिंदी जरूर लगाएं। क्यों? जब आखिरी दिन हम
अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को जब विदा करें तो ये रिद्धि और ये सिद्धि, ये कुंकू और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि हैं, बहुएं हमारे घर में रह जाए भले बेटा काम पर चले जाए। गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो, गणेश जी को जब घर में प्रवेश दो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर महाराज, और जब गणेश जी को विसर्जन भी करो तो गणेश जी का मुख आपकी ओर। कई कई लोगों के घरों में गणेश जी की बहुत सारी फोटो हो जाती है, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। कई कई लोग गिफ्ट में गणेश जी दे देते हैं। शास्त्र कहता है जिसने अपने जीवन काल में, आपको पहले भी कथा में कहा था, एक आंवले का वृक्ष, एक गणेश जी की मूर्ति, आंवले का वृक्ष गणेश की मूर्ति, ये दो चीजें कैसी है जिसको एक वो क्या बोलते हैं उसको, एक कुबेर का स्टेचू भी आता है जिसको कंधे पे पोटली रखी हुई स्टेचू आता है, गंजा बाबा रहे सो क्या बोलते हैं हम लोग, कहते कुबेर स्टेचू बोलते हैं उसे, ये भी गिफ्ट में नहीं थी। यदि गणेश की मूर्ति, गणेश की प्रतिमा, गणेश का फोटो हम किसी को गिफ्ट में दे देते हैं तो हमारे घर की संपदा उस तारीख को लिख कर रखना, उसके बाद में धीरे धीरे छिन्न होने लगती है, संपदा टिकती नहीं। एक रुपया कमाओगे सवा रुपया खर्च हो, और घर के हर जगह पर गणेश जी की मूर्ति नहीं लगाना चाहिए, घर का फोटो, गणेश जी का फोटो हर जगह पर नहीं लगाना, जहां पूजन करते हो वहां लगा लो, जहां स्मरण करते हो वहां लगा लो, चल जाएगा। पर सारे घर में ना जाने कौन कौन सी डिजाम, और यहाँ तक कई लोग साल भर गणेश जी रखते हैं, कौन से भी निवेदन है साल भर गणेश जी रखो मना नहीं है, पर गणेश जी रखना कौन सी दिशा में चाहिए उसका भी शास्त्र प्रमाण वर्णन करता है हमारा। लाते समय गणेश जी का मुख आपकी ओर हो, कल से एक नियम लेना, शमी के भी वृक्ष की पत्ती, जैसे ये बेलपत्र होता है शिव को और गणेश को, बेलपत्र शमी पत्र समर्पित होता, आपको कथा में वर्णन किया था 33 कोटि देवताओं को भले बेलपत्र नहीं चरेगा पर 33 कोटि देवताओं को शमी पत्र चरता है, और उसमें एक गणेश जी महाराज और एक बाबा भोलेनाथ, इन दोनों को शमी समर्पित होता, शमी पत्र समर्पित हो। तथा में पहले भी वर्णन किया, आज फिर आपको, ये शिवलिंग है समझ लेना बहुत अच्छे से, जो आपको करना है रिद्धि सिद्धि पाने के लिए, संपदा को बढ़ाने के लिए, ये शिवलिंग है, ठीक है, ये गोल जलाधारी है, ये चरण से जल नीचे गिरता, शंकर जी का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में है, शंकर जी की 5 लड़कियां जो ऊपर से जल नीचे गिरा रही है, जया, विशाखा, शामरी बारी, दो तली और देव, ये शंकर जी की 5 लड़कियां जिनका नाम लेकर सोने से रात्रि में नींद अच्छी आती है, एक एक बूंद जो ऊपर से गिरा रही है ये शिव की 5 बेटी, जहां से जल नीचे गिरता है शिवलिंग का जो जल नीचे जाता है उसके लाइट भाग में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग में कार्तिकेय का स्थान, बीच में संतर जी की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान, शिव महापुराण की कथा करती है और गणेश चरित्र पंचमन कर रहे हैं, और कल से चतुर्थी लग रही है, जिसके घर में संपदा की कमी पड़ती हो, बीमारियां ज्यादा फैल रही हो, बहुत कष्ट हो महाराज, बहुत ज्यादा दुखी हो महाराज, कोई काम नहीं बन रहा, बहुत तकलीफ में हो, तो शमी पत्र, शमी की पत्ती, जहां गणेश जी का स्थान है वहां पर 5 शमी पत्र, 5 समर्पित करें, और शंकर जी के ऊपर 3 शमी पत्र समर्पित करें, बहुत ध्यान देना, 5 शमी पत्र जहां गणेश जी का स्थान है शिवलिंग में वहां समर्पित करें, 3 शमी पत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करें, 1 शमी पत्र शंकर जी की चौखट पर लेफ्ट भाग में जाते समय आपका उल्टा हाथ, जब मंदिर से निकलो तो उल्टे हाथ पर लेफ्ट भाग में शंकर जी की चौखट पर समर्पित करें 1 शमी पत्र, और महाराज फीका दीरा जहां लेफ्ट भाग में आपने शमी पत्र रखा है, मंदिर में ना दिया लगाकर बाहर की ओर जहां शमी पत्र रखा है उसके ठीक साइड में एक घी का दिया लगा दीजिए। केवल गणेश चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश पुराण कहती है भगवान गणेश जी का मोर ध्वज का मयूर ध्वज गणेश का नाम लेकर जो ये दीप शमी पत्र चरा देता है उसके घर से कभी रिद्धि सिद्धि नहीं जाती, बेफो प्रतिष्ठा नहीं जाती। तर पर देखना अगले साल तक आपका व्यापार कितना चलता है हमको बताना जरूर, करके देखो एक बार गणेश पुराण का, शिव महापुराण का ये प्रसंग करिए जीवन में उतारना।
चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी का मूल स्थान आपको गणेश जी की मूर्ति पर चढ़ाने का नहीं बोगा। क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि गणेश जी की आप प्रतिष्ठा करोगे तो वह टेम्परेरी है, 10 दिन के लिए कर दिया फिर वापिस विसर्जन कर दिया। पर जहां शंकर मंदिर में वेद गए, शिवलिंग स्थापित हो गया, महा ना जाने कितने समय से शंकर की आराधना हो रही है, वहां गणेश जी सदा विराजमान है। और देखो ये 10 दिन में अगर आपने शमी पत्र बिल्कुल मन से समर्पित करा है ना, तो मेरा विश्वास कहता है शिव महापुराण का, मेरे बाबा विश्वनाथ की कृपा कहती है, मेरा मन कहता है 10 दिन के अंदर आप शमी चढ़ाएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छी खबर जरूर मिलेगी, ये पक्का। पर हमें बताना जरूर व्हाट्सएप पर हो, मैसेज जरूर करना कि क्या फायदा हुआ आपको 10 दिन के अंदर, बोलना जरूर। कर कर देखिए शिव स्मरण भगवान गणेश शिव। तीसरा क्रम, गणेश जी की मूर्ति जब लेकर आओ तो कले में जनेऊ के रूप में या कमर पर सर्प जरूर होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति में जनेऊ के रूप में सांप हो या कमर पर बंधा हुआ सांप हो, वो गणेश जी संपदा देने में पीछे हटते ही नहीं। गणेश जी की मूर्ति में कंधे पे जनेऊ के रूप में सांप हो या पेट पर कमर पर सांप बंधा हो तो संपदा देने में कमी नहीं रखी, अपार संपदा। शिव पुराण कहती है चाहे सोमवार करो, मंगलवार करो, बुधवार करो, एकादशी करो, प्रदोष करो, तुम्हारी मर्जी पर जो व्रत करो, पर तुम्हारे चेहरे पर उस व्रत में प्रसन्नता होना चाहिए। अगर चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है भगवान उस व्रत को स्वीकार नहीं करता। आज हरताली का तीज है, कल चतुर्थी है, पंचमी है, आप जो भी व्रत करो आपके चेहरे पर एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए कि मैं आनंद से भगवान को रिझाने के लिए ये व्रत कर रहे, भगवान को पाने के लिए होना चाहिए भाई। अगर गणेश जी महाराज आपके घर में आ रहे, भगवान कृष्ण आपके घर में आ रहे, भगवान राम आपके घर में आ रहे, सदगुरु आपके दरवाजे पर पधार रहे, भगवान गणेश जी महाराज आपके यहाँ प्रवेश कर रहे हैं तो दरवाजे के दोनों कोने पर, दोनों दीवार के साइड में दो स्वस्तिक बनना चाहिए, एक हल्दी का एक कोपा, और स्वस्तिक बनाकर जब गणेश जी प्रवेश करें आपके घर के अंदर तब दो घी के दिए दोनों ओर जलना चाहिए रिद्धि सिद्धि के लिए। तक प्रवेश मेरे गणेश जी महाराज सीधा चरण अंदर लगकर प्रवेश करिए और गणेश जी की स्थापना करिए, और स्थापना के समय पर दो बिंदी जहां गणेश जी बैठे साइड में कोई दीवाल हो तो ये हल्दी की एक कूपो की बिंदी जरूर लगाए। क्यों? जब आखिरी दिन हम अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी को विदा करें तो ये विद्धि और ये सिद्धि, ये कुंपो और हल्दी की बिंदी नहीं, ये रिद्धि और सिद्धि है, बहुए हमारे घर में रह जाए भले बेटा काम पर चले जाए। क्या होता है रिद्धि सिद्धि हम साथ में गणेश जी के विसर्जन कर देते हैं, अगर बिंदी नहीं लगाते तो रिद्धि सिद्धि गणेश जी के साथ चली जाती है, अगर दो बिंदी हमने दीवार पर लगा दी तो वो रिद्धि सिद्धि घर में रह जाती है, गणेश जी जरूर विसर्जन हो जाए।